अल्मोड़ा की जयत्री क्षेत्र स्थित धामदेव में सालम क्रांति दिवस मनाया गया, जहां स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह और टीका सिंह की बरसी पर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। आपको बता दें 25 अगस्त 1942 को इस स्थान पर शहीदों ने बलिदान दिया था, उनकी बरसी पर हर साल धामदेव में यह दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, उन्होंने शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता एक मंच पर दिखे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहीद नरसिंह और टीका सिंह से युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए। वहीं UKSSC पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि होनहार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच की जा रही है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सालम क्रांति के नायकों को, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को, नरसिंह जी को, टीका सिंह जी को और उनके साथियों को, सभी को आज के इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में ये देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हमारे सभी आने वाली नौजवान पीढ़ियों के स्मरण में रहें, हमारी नौजवान पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेते रहे। आज सालम क्रांति का महान दिन है और आज का दिन हम नरसिंह टीका सिंह जी के बलिदान, उनके सहयोगियों के अभूतपूर्व साहस शौर्य पराक्रम को याद करते हैं, उसको नमन करते हैं। ये उत्तराखंड का बहुत गौरवपूर्ण दिन है और मैं नरसिंह टीका सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके आश्रित गणों, उनके कुटुंबीजनों सबको प्रणाम करता हूं।